हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्लास सिक्स का सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, चैप्टर सेवन है ये, ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज। ठीक है, इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और मैं नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्टेंट है इस चैप्टर का वो मैंने नोट्स की हेल्प से मैं आपको समझाने वाली हूँ। और साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूँ, इस चैनल पे आपको क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सोशल साइंस से रिलेटेड, आपका पॉलिटिकल साइंस हो, आपका हिस्ट्री हो, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको जो है वो नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है, जो एक एक पैरा जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे। आपको वर्कशीट प्रोवाइड हो जाएगी यहाँ पे, जहां मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन करती हूँ, और इसी तरह के जो और नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, साथ ही जो सिलेबस है। तो इस तरह के जो पूरा आप देखोगे तो पूरे का पूरे जो स्टडी मटेरियल जो रिक्वायरमेंट होता है एक किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो वो सारा मैं प्रोवाइड करती हूँ। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ना। और देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि चैप्टर का नाम है ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज। ठीक है, तो इस चैप्टर में किस तरह की विचारधाराएं या किस तरह के जो न्यू आइडियाज जो उत्पन्न हुए, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह से उनकी ग्रोथ हुई उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में अगर देखें आप तो देखिए कि ये बात है 6th century BCE की, और ये 2500 साल पहले की बात है, जब दो ग्रेट मैन जो हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था। अच्छा, अब ये दो ग्रेट मैन की बात हुई है तो वो कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीर। ठीक है, तो ये दो महान लोगों का जन्म हुआ था और उनकी जो टीचिंग थी उन्होंने जन्म दिया दो रिलीजियंस को। ठीक है, टू मेन रिलीजन्स को जन्म दिया, एक था आपका बुद्धिज्म और एक है आपका जैनिज्म। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो कहाँ से आया, ठीक है, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ, क्योंकि ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज। ठीक है, तो बुद्धिज्म देखिए, ये जो नेम है वो आफ्टर गौतम बुद्धा, ठीक है, क्योंकि बुद्धा नाम है तो यहीं से बुद्धिज्म नेम आया है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुद्धिज्म कहाँ किससे रिलेटेड है और जैनिज्म किससे रिलेटेड है। तो देखिए, याद रखिएगा, गौतम बुद्धा, क्योंकि नाम के पीछे बुद्धा आ रहा है तो बुद्धा से ही बुद्धिज्म बना है। अच्छा, वास्तव में इनका देखा जाए जो इनका रियल नेम था वो था सिद्धार्थ। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बानी में, और ये लुम्बानी देखिए आज जो है वो नेपाल में है ये लुम्बानी। अच्छा, उनके जो फादर थे वो कहाँ के चीफ थे? वो शाक्या क्लैन, यानी जो डायनेस्टी होते थे, वंश होते थे, तो उसके चीफ थे, उसके प्रधान थे, और ये शाक्या क्लैन था, शाक्या वंश था। सिद्धार्थ जो है एक प्रिंस, क्योंकि एक राजा या एक मुखिया का बेटा जो होगा तो एक बिल्कुल राजकुमार की तरह उसकी एक जिंदगी उन्होंने जी, एकदम कंफर्टेबल लाइफ थी उनकी। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। देखिए, जितने भी आप देखोगे कैपिटल लेटर्स में वो आपकी मेन हेडिंग्स हैं, और उसके अंदर जो है वो आपकी सब हेडिंग्स हैं, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो देखिए जो क्वेस्ट फॉर ट्रूथ है, तो क्वेस्ट मतलब खोज, यानी सत्य की खोज। ठीक है, तो प्रिंस सिद्धार्थ जो है वो बिलीव करते थे, उन्होंने चार साइड देखी थी, ठीक है, चार दृश्य देखे, जिसकी वजह से उन पे एक बहुत ही गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या देखा? तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले एक ओल्ड मैन को देखा, उसके बाद एक बीमार इंसान को देखा, और उसके बाद उन्होंने एक फाइनली डेड बॉडी को देखा, ठीक है, मृत शरीर को देखा। तो अब क्या था, अब देखिए, इसको देखने के बाद कि एक बीमार इंसान को देखने के बाद, एक बूढ़े इंसान को देखने के बाद और एक डेड बॉडी को देखने के बाद उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे और एक तनाव भरा वो उनका माहौल हो गया था, ठीक है, मूड जो था वो खराब हो गया उनका। तो उसके बाद देखिए उन्होंने और क्या देखा, उसके बाद उन्होंने एक एसेटिक यानी एक तपस्वी को देखा, एक ऋषि मुनि को देखा, जो उनके आगे आए, उनको सामने जब देखे तो वो अनएफेक्टेड थे बाय द पेन, यानी उनके पास कोई दुख दर्द नहीं था, ठीक है, उनके जिंदगी में किसी तरह की बीमारी या किसी तरह का सौरव नहीं था, किसी तरह का दुख नहीं था। ठीक है, तो सिद्धार्थ ने फिर डिसाइड किया, क्योंकि जब ये चार दृश्य उन्होंने देखे कि किस तरह से कुछ लोगों को इतना दुख है जिंदगी में, ठीक है, बीमारी है कहीं पे बुढ़ापा है, और कहीं पे इसकी लाइफ जो है वो खत्म भी हो जाती है, और एक जगह जहां वो तपस्वी है जिसको किस तरह का दुख दर्द नहीं है। तो इस तरह की चीज को देख के जो सिद्धार्थ है वो बहुत परेशान हुए, और वो फिर सोच में पड़ गए, और उन सवालों का जवाब लेने के लिए कि क्या मिस्ट्री है, ठीक है, क्या रहस्य है लाइफ और डेथ के बीच का, तो इसको जानने के लिए वो निकल पड़े, सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। अच्छा, ही वॉन्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द सफरिंग ऑफ मैनकाइंड। तो उन्हें वास्तव में जानना क्या था कि जो ये दुख दर्द जो है, जो जिंदगी में जो ये बुढ़ापा आता है एक दौर में, तो ये क्या है, किस तरह से इसका जो निवारण, ठीक है, एक सोल्यूशन वो ढूंढने निकले। सिद्धार्थ ने इसके लिए अपने घर को छोड़ दिया, इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए,
और वो ट्रू मीनिंग जानना चाहते थे जिंदगी का, कि जिंदगी का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो आप 6 ईयर्स ठीक है 6 साल तक की वेंडेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो 6 साल तक भटकते रहे एक जगह से लेके दूसरी जगह तक। इसके बाद उन्होंने काफी मेडिटेशन किया ठीक है, और वो कहाँ पे क्या, उन्होंने पीपल ट्री था एक गया में ठीक है, वहां पे उसके नीचे वो बैठे, उन्होंने मेडिटेशन किया यानी ध्यान किया भगवान का। और आफ्टर मेनी डेज ऑफ इंटेंस मेडिटेशन और काफी दिनों बाद इस ध्यान जो वो मुद्रा में लगे हुए थे उसके काफी दिनों बाद ही डिस्कवर्ड, उसके बाद उन्हें सत्य की जो है खोज जो थी जिसको वो निकले थे वो प्राप्त हुआ, वो ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको इनलाइटेनमेंट ठीक है, जो ज्ञान का प्रकाश एक कहते हो, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तब उन्होंने ही अंडरस्टूड व्हाई द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड व्हाट शुड बी डन टू ओवरकम इट। और इसके बाद ही उन्होंने समझ लिया कि वर्ल्ड में ये जो दुख दर्द क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्यों दुनिया में इतना दुख है, क्यों लोग इतने परेशान होते हैं और इसका क्या निवारण होगा ठीक है, इसके क्या सोल्यूशन होंगे, किस तरह से इंसान जो है मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ही जस्ट बिकेम द बुद्धा, तो इस तरह से वो बुद्धा बने और उन्हें जो है इनलाइटनमेंट हुआ एक्सपेक्टेड और द वाइस मैन ठीक है, एक उन्हें की ज्ञानी पुरुष की तरह उनको ट्रीट करने लगे सब लोग क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो पीपल जो ट्री जहां पे वो बैठे थे जिनको जहां पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई केम टू बी नोन एज द ट्री ऑफ विजडम और बोधि वृक्षा। तो ये याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि इसको जो जिस पीपल ट्री के नीचे वो बैठे थे उसे क्या कहा गया, तो उसको ट्री को विजडम यानी बुद्धि का और बुद्धि का कह सकते हो कि बुद्धि का वृक्ष कहा गया और साथ ही आप उसको बोधि वृक्ष कहा गया ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रॉम गया, गया से लेके फिर जो बुद्धा थे वो सारनाथ गए ठीक है, और वहां पे उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन ठीक है पहला जो उपदेश था वो दिया और ये दिया डियर पार्क में ठीक है, डियर पार्क में इन सारनाथ में दिया ये। इसके बाद देखिए इट इज नोन एज द धर्म चक्र परिवर्तन ठीक है, इसको पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस तरह से उन्होंने अपना उपदेश दिया, तो इस पूरे प्रोसेस को कह सकते हैं पूरे के पूरे जो ये पूरा का पूरा एक काम हुआ इसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और किस तरह से उनके परिवर्तन आया उनकी जिंदगी में। फिर देखिए जो बुद्धा थे उन्होंने अपनी पूरी जो रेस्ट लाइफ थी जो बाकी की जिंदगी थी वो एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहे, लोगों से मिलते रहे और उन्हें भी उन्होंने अपने जो भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके उपदेश दिए ठीक है। प्रीचिंग मतलब होता है कि उपदेश देना, लोगों को शिक्षा देना ठीक है। तो वो सारे मैसेज जो भी थे लव के, पीस के, कि मिलजुल के रहिए, प्यार से रहिए, शांतिपूर्वक रहिए, तो ये जो उपदेश थे, ये जो मैसेज थे वो उन्होंने लोगों में बांटे, लोगों को दिए। इसके बाद देखिए मेन टीचिंग्स क्या थी ठीक है, तो बुद्धा की मेन टीचिंग्स क्या थी, तो ये 4 नोबल ट्रूथ्स और 8-fold path पे जिन्हें हम अष्टांग मार्ग भी कहते हैं उस पे उनकी सारी की सारी जो मेन टीचिंग्स है वो निर्भर थी यानी डिपेंडेंट है। और इसको ही आप कह सकते हो कि जो मेन टीचिंग्स है वो 4 नोबल ट्रूथ्स और 8-fold path थे यानी अष्टांग मार्ग थे उसमें इंक्लूडेड है, उसको अगर आप समझ लोगे तो उनकी मेन टीचिंग्स आप समझ लोगे। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए समझते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स। तो ये थे कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग ठीक है, जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से सफरिंग से भरा हुआ है। सेकेंड है कि द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, और जो ये सफरिंग जो आप एकदम झेलते हो जिंदगी में, जो आप परेशानियां आपको सामना करना पड़ता है, इसका क्या रीजन क्या है, तो इसका है डिजायर यानी इच्छाएं, क्योंकि इंसान की इच्छाएं इतनी होती हैं और इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो पूरे दिनों रात कोशिश करता रहता है ठीक है। उसको सही मार्ग और गलत मार्ग का कोई बोध नहीं रहता है ठीक है, उसको नॉलेज नहीं रहती है, और कभी कभी जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसको दुख होता है। One must get rid of desire to end suffering, ठीक है, और अगर आपको इस दुख को नहीं झेलना, दुख का सामना नहीं करना, तो आपको अपनी इच्छाओं को जो है उसको दूर रखना होगा, यानी आपको जरा मोह माया में नहीं पड़ना होगा। इसके बाद टू एंड डिजायर एंड हैंड सफरिंग वन मस्ट फॉलो द 8-fold path, तो अगर आपको इन इच्छाओं से आपको छुटकारा चाहिए, आपको खत्म करना और सफरिंग से आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको 8-fold path यानी बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग, बुद्धा के अकॉर्डिंग आपको 8-fold path यानी 8 अष्टांग मार्ग पे चलना होगा ठीक है। तो ये 8 मार्ग कौन से थे, 8 रास्ते कौन से थे जिनको आप करोगे तो आपको ये दुख से और आपकी इच्छाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो पहला है राइट थॉट यानी आपकी जो विचार है, आपकी जो सोच है उसको आप अच्छे से रखिए, उसको एक सही दिशा दीजिए और सही सोच रखिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। तो ये था, उसके बाद है राइट बिलीफ यानी हर किसी पे विश्वास करिए और एक अच्छा पॉजिटिव विश्वास करिए। राइट स्पीच, जब आप बोले तो बहुत अच्छा बोलिए। राइट एक्शन, जब आप कोई भी काम करें तो उसको बहुत अच्छे से करिए और अच्छे कर्म करिए, क्योंकि कहते ही हैं कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी मिलता है। फिर है फिफ्थ, आपका राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कि आप अपने जीवन को जीने के लिए जो भी काम करते हैं वो पूरी ईमानदारी से होने चाहिए, ये नहीं कि आप
चोरी करके या किसी को दुख देके अपनी रोजी रोटी कमाते हो, तो एक पूरी मेहनत करके जो आप अपनी ईमानदारी से कमाते हो वही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके लिए फिर वो इसमें अगर आप ये एट फोल्ड पाथ करते हो तो बिल्कुल आपको कोई किसी भी तरह का दुख दर्द कभी नहीं होगा। राइट एफर्ट की हर किसी चीज को पाने के लिए आप पूरी अपनी कोशिश करिए, मेहनत करिए। राइट मेमोरी, ठीक है, तो आप जो भी चीजें लर्न करते हैं, जो भी चीजें आप याद रखना चाहते हो तो वो अच्छी चीजें याद रखिए। इसके बाद है राइट मेडिटेशन, यानी आप भगवान का ध्यान भी करिए अपने लाइफ में, जो भी आपके गुरु वगैरह हैं उनकी मेडिटेशन भी करिए, तो ये ध्यान भी करना चाहिए जिंदगी में। तो ये सारे के सारे अष्टांग मार्ग के जिनको आप करोगे, आप फॉलो करोगे, तो आपको किसी तरह की जो आपकी इच्छाएं हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। अगर वो पूरी नहीं होती तो आपको दुख भी नहीं होगा। फिर देखिए, बुद्धा ने बिलीव करते थे ये जो एट फोल्ड पाथ है वो एक पर्सन को टू द मिडिल पाथ, ठीक है, दैट इज अ बैलेंस लाइफ और अ लाइफ ऑफ मॉडरेशन। तो अगर कोई ये एट फोल्ड पाथ जो है फॉलो करता है तो वो पर्सन एक मिडिल पाथ में आते हैं। और ये मिडिल पाथ क्या है, वो है एक बैलेंस लाइफ को जीना और या लाइफ ऑफ मॉडरेशन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ही सेड दैट अ पर्सन शुड नाइदर लिव इन ग्रेट लग्जरी नॉ शुड बी गिव अप एवरीथिंग एंड सफर, ठीक है। तो उनका मानना ये भी था, ऐसा नहीं है, तो देखिए ये जो मिडिल पाथ ये है कि ना तो एक कह सकते हो आप कि उनके अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को ये नहीं कि पूरी जिंदगी वो एक लग्जरी लाइफ जिए, यानी सारी सुख सुविधा उनके साथ जिए, बट एट द सेम टाइम वो ये भी कहते थे कि ठीक है आप एक नॉर्मल एक मिडिल लाइफ जिए, उसको साथ ही आप ये भी नहीं कि सारा का सारा जो घर संसार है उसका त्याग कर दो, ठीक है, तो ना ही एक शानो शौकत वाली लाइफ जिए जिया करें इंसान, और ना ही ये भी नहीं कि सारी सारी चीजें अपनी दान में दे दें और अपना घर बार छोड़ दें, तो वो चीजें भी ना करें। तो जो इंसान ये पूरे के पूरे एकदम बैलेंस करके चलेगा तो वो एक मिडिल पाथ में चयन करता है। इसके बाद देखिए, लीडिंग अ बैलेंस लाइफ विद द गुड हेल्थ ऑफ पर्सन अटेन मोक्ष और निर्वाण। तो जो पर्सन जो है एक बैलेंस लाइफ को जीता है उसको बिल्कुल एक मोक्ष और निर्वाण की जो है प्राप्ति हो जाती है। फिर देखिए, बुद्धा डिड नॉट अप्रूव ऑफ रिचुअल्स एंड एनिमल सैक्रिफाइसेस। तो बुद्धा के अकॉर्डिंग वो किसी तरह के अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करते थे कि बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करने चाहिए या फिर एनिमल सैक्रिफाइसेस या फिर जानवरों की बलि देनी चाहिए किसी भी मोक्ष को और किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो वो इस चीज को मानते नहीं थे और इसके अगेंस्ट थे। और इसके साथ ही वो अहिंसा पे बल देते थे और नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग बींग्स की किसी भी जीव जंतु या किसी भी लिविंग बींग्स से आपको ये नहीं कि उनको आप नुकसान पहुंचाएं, तो इसके वो अगेंस्ट थे। इसके साथ ही वो कास्ट सिस्टम यानी जो जाति प्रथा है उसके भी खिलाफ थे वो, और वॉन्टेड ऑल पीपल टू बी ट्रीटेड इक्वली, और वो चाहते थे कि सारे इंसानों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, एक जैसे ही उनके बारे में सोचा जाए। इसके बाद आते हैं संघ। देखिए संघ क्या था, तो बुद्धा एंड हिज डिसिपल्स यानी जो बौद्ध थे और जो उनके डिसिपल्स थे यानी जो उनके शिष्य थे, उन्होंने एस्टैब्लिश की थी मोनेस्ट्रीज जिन्हें हम विहार्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम मोनेस्ट्रीज स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया वर कट आउट इन द हिल्स। तो वेस्टर्न इंडिया में जो ये मोनेस्ट्रीज जो विहार्स बनाए थे वो हिल्स को पहाड़ों को कट कर करके बनाए गए थे। और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स यानी जो साधु थे बौद्ध धर्म के मानने वाले जो साधु थे वो इन मोनेस्ट्रीज में रहते थे, इन विहारों में वो रहते थे। अच्छा, वो इन संघ में मिलजुल के टुगेदर रहते थे। बोथ मैन हो जो विमेन थे वो कुल ज्वाइन द संघ। तो ये पूरे जो कोई भी मैन हो विमेन हो वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। जो मॉन्क्स होते थे और जो नंस थे, देखिए मॉन्क्स जो है मेल साधुओं को यहाँ पे बोला जाता था और जो नंस है वो साध्वियों को बोला जाता था यहाँ पे। तो वो एक सिंपल लाइफ यहाँ जीती थी और साथ ही मेडिटेटेड करते थे टाइम पे, और जो भी टीचिंग्स होती थी बुद्धा की वो वहां पे उन ज्ञान की प्राप्ति करते थे। फिर देखिए जो मोनेस्ट्रीज थी वो सेंट्रिक ऑफ एजुकेशन यानी जिस तरह से आज आप लोग स्कूल में जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे जो मॉन्क्स और नंस थे वो बौद्ध भगवान की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इन मोनेस्ट्रीज यानी इन संघ में आते थे। मॉन्क्स और जो नंस थे वो टॉट अदर्स, ठीक है। तो उसके बाद मॉन्क्स और जो नंस थे वो बौद्ध भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने और लोगों को भी शिक्षा दी। इसके बाद आते हैं हम जो सेकंड आपके जो रिलीजन की बात थी वो है जैनिज्म। तो देखिए जैनिज्म जो विचारधारा है वो जो रिलीजन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इनकी इसकी जो उत्पत्ति है वो ये देखिए, तो वर्धमान जो महावीर थे वो एसोसिएटेड विद जैनिज्म, तो वो जैनिज्म से रिलेटेड है। और जैन का मानना है कि जो महावीर थे वो लास्ट 24 थे और ग्रेट टीचर्स थे, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं तो उसमें जो 24 सबसे जो लास्ट थे वो महावीर थे, यानी सबसे लास्ट गुरु जो थे जैन के वो महावीर थे। अच्छा, जो फर्स्ट थे वो थे ऋषभ देवा, और उनकी टीचिंग्स में क्या क्या था, तो उनकी टीचिंग्स में रिलीजन था जैनिज्म का। और महावीर जो थे वो बॉर्न हुए थे कुंडा ग्राम में जो नियर वैशाली में है, और ये कहाँ है, ये है बिहार में। इसके बाद देखिए, इसके लोग इनके जो फादर थे वो जैन फ्रिका क्लैन के थे यानी इस वंश के थे,
साथ ही जो इनकी मदर थी वो निचली प्रिंसेस थी। क्वेस्ट फॉर ट्रूथ ये सत्य की खोज में कम निकले तो ये एट द एज ऑफ 30 में निकले। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर अगले 12 साल तक वो प्लेस टू प्लेस भटकते रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और फिर एक दिन जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तब उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ और थ्रू दिस नॉलेज और इस ज्ञान के साथ ही उन्होंने क्या जीत हासिल कर ली, वो विजेता बन गए बोथ माइजरी और हैप्पीनेस के, यानी जो भी दुख और खुशी होती है उसके वो विजेता बन गए। उन्हें ये प्राप्त हो गया कि क्या रीजन है इसका। तो उसके बाद वो जिन्ना बन गए जिसे हम ग्रेट कॉन्करर यानी विजेता कहते हैं। और इसके बाद ये फॉलोवर्स और इसके इनके जो फॉलोवर्स थे ठीक है जो इनको फॉलो करते थे यानी इनके शिष्य, उनको जैन्स के नाम से जाना जाने लगा। इनकी मेन टीचिंग्स देख लें तो इन्होंने क्या शिक्षा दी, तो इनके हिसाब से महावीर जो थे वो बिलीव करते थे एक सिंपल लाइफ जीना यानी एक साधारण जिंदगी को जीना, और ही वॉज अगेंस्ट वो भी रिचुअल्स और एनिमल सेक्रीफाइसेस के। तो देखिए आप टीचिंग जो है अगर आप एक प्रिपेयर कर लेंगे तो आप दूसरी भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन सी है पॉइंट्स हैं कि एक सिंपल लाइफ जिया करे और साथ ही रिचुअल जो है अनुष्ठान उसके अगेंस्ट थे, एनिमल सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट थे। इन गोल्स ऑफ लाइफ देखिए तो अकॉर्डिंग टू महावीर वॉज सेटअप सोल फ्री एंड नॉट टू बी बोर्न अगेन इन दिस वर्ल्ड, की जो सोल होती है वो फ्री होती है, एक बार आत्मा निकल जाए तो फिर इस वर्ल्ड में दोबारा नहीं आती है। अच्छा इसके साथ ही वो थ्री रत्नास और थ्री ज्वेल्स ऑफ लाइफ पे विश्वास करते थे, और ये क्या थे, ये थे राइट बिलीफ ठीक है, राइट नॉलेज और राइट एक्शन ठीक है। तो ये जो थे ये इन तीन को थ्री ज्वेल्स ऑफ लाइफ उन्होंने नाम दिया कि एक राइट बिलीफ होना चाहिए सबको, राइट नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए और राइट एक्शन आपने जो करे हैं वो अच्छे रखने चाहिए। इस पर देखें कि किस तरह से जैनिज्म जो धर्म है एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से फैला। तो महावीर देखिए जो ओरिजिनल टीचिंग थी वो फर्स्ट प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रेडिशन, कि ये ओरल ट्रेडिशन के थ्रू इनको दिया जाने लगा ठीक है, जो आज भी आप समझो प्रिजर्व किस तरह से रखा गया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये टीचिंग्स कैसे आई। तो वाइस वो सारी आई ओरल ठीक है, मुंह से बोली हुई नॉलेज थी, किसी ने एक ने सुना उसको याद रखा और दूसरे को सुनाया और उसके बाद उसको लिखा गया ठीक है, बहुत बाद उसको लिखा गया। जैन मॉन्क्स जो थे उन्होंने भी मॉनेस्ट्रीज बनाई साधुओं ने और वहां पे वो रहते थे। जैन जो थे उनके जो ग्रुप थे वो दो ग्रुप में डिवाइड हुई है, एक थे आपके दिगाम्बर्स ठीक है और द स्काई क्लैड, देखिए क्लैड का मतलब होता है ढके हुए यानी ड्रेसेस, किस तरह से वो कपड़े पहनते थे या नहीं पहनते थे वो था। तो दिगाम्बर देखिए तो ये जो वो ग्रुप था जैन धर्म का जो कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे ठीक है। और श्वेतांबर देखिए सेकंड जो ग्रुप था वो श्वेतांबर से जो व्हाइट क्लैड यानी ये व्हाइट ड्रेसेस पहनते थे ठीक है, व्हाइट क्लोज पहनते थे। इसके बाद आते उपनिषद के बारे में, तो ये टाइम था कि बुद्धा और जो महावीर का और अदर जो थिंकर्स थे तो इनका ये टाइम था और ये दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, और ये सभी के सभी बुद्धा और महावीर की तरह एक ट्रू मीनिंग जो था जिंदगी का उसकी खोज में निकले। और इनके जो आइडियाज और टीचिंग्स थे वो जिस जगह लिखा गया जहां पे जिस किताब में लिखा गया उसको हम उपनिषद के नाम से जानते हैं उपनिषद। और उपनिषद का देखिए क्या मीनिंग क्या है ठीक है, तो इसके थ्री सिलेबस हैं, एक है उपा, उपा का मतलब होता है नियर, नी का मतलब होता है डाउन यानी नीचे ठीक है, और नियर का मतलब पास होता है और नी का मतलब होता है डाउन, शेड का मतलब होता है सेट। यानी उपनिषद का मतलब क्या होता है कि गुरु के पैरों में बैठ जाइए ठीक है, नीचे बैठ जाइए टीचर के पैरों में, क्यों बैठ जाइए, टू रिसीव द टीचिंग ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कंटेंट पे देखिए तो नेक्स्ट है कंटेंट, तो इसमें है जो उपनिषद थे वो एक बुक है फिलोसफी की ठीक है, इसके बाद ही ये स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल कॉन्टेंट जो है वेदास का वो पूरा इसमें मेंशन किया गया है। जो भी टीचिंग्स हैं रिलीजियस टीचर्स और साधुओं की वो लिखी गई है इसमें। उपनिषद में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को लिखा गया है, इसके साथ ही डिस्कस किए गए हैं डॉक्ट्राइन्स मतलब सिद्धांत ठीक है, तो आइडियल ह्यूमन कंडक्ट क्या होने चाहिए, एक इंसान का एक आइडियल एक आदर्श कंडक्ट किस तरह से उसका होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ मैन, प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन, कर्मा, ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड डेथ, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में जो सिद्धांत है वो सब लिखे गए हैं। मेन फिलॉसफी जो उपनिषद की है कि उपासना, कि उपासना का मतलब होता है वर्शिप और भक्ति मतलब डिवोशन, तो ये मेन फिलॉसफी है उपनिषद की। उपनिषद में इम्पोर्टेंट है गिव इम्पोर्टेंट टू वर्शिप ऑफ वन गॉड, उपनिषद के अकॉर्डिंग एक भगवान की ही आपको पूजा करनी चाहिए, तो ये इसका मेन इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो थीम है। और इट डिस्कसेस हाउ द अंतर्मन ठीक है, उसके साथ ही इसमें भी मेंशन किया गया जो अंतर्मन है जो हमारा जो इंडिविजुअल सोल है जो हमारी आत्मा है कैन बी वन विद द यूनिवर्सल और कॉस्मिक सोल, वो किससे मिली हुई है, वो भगवान यानी जो यूनिवर्सल जो ब्रह्मांड ठीक है जो लौकिक सोल है उसी से कनेक्टेड है, उसी का एक पार्ट है ठीक है। तो ये था आपका पूरा का चैप्टर, आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।